एक डांस का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है, देखते हैं क्या जब का परफॉर्मेंस चल रहा है। और ये शुद्ध गोबर के बने हुए हैं। अच्छा। इनके ऊपर से ये स्टिकर्स लगाए हैं थोड़ा इसको डेकोरेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये देखिए मंत्र लिखे गए हैं, ये भी हम अपने मंदिरों में कर सकते हैं, किसी को भेंट दे सकते हैं, अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इसी प्रकार से ये गणेश जी बनाए गए हैं, ये शुभ लाभ जैसे हम दीपावली में लिखते हैं, देखिए ये बने हैं। हम बाजार से ना खरीद के अपने ये इनको टांगा जा सकता है। गणेश की मूर्ति है, इसी प्रकार से लक्ष्मी की मूर्ति की भी। चाइनीज प्रोडक्ट ना लेकर जो है हम यहाँ से ले सकते हैं अपने जो है दूसरा गोबर। दोस्तों देख सकते हो अभी सुबह का टाइम है, कहते हैं देहरादून में जो है आज भी जो है मौसम बिल्कुल साफ है। तो हेमंत जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। क्या बोले हेमंत जी, बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आप अपने सब्सक्राइबर से कहिए कि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे को जो है क्या बोले मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन के साथ जो है हम एक नई ऊर्जा के साथ जो है नई नई जगह और एक्सप्लोर करते चले जाए और आपको ऐसी ज़बरदस्त वाली वीडियोज बनाते चले जाए। क्यों? राइट, एकदम सही। और दीदी का भी कहना यही है कि जो है आप जो है ज़बरदस्त वाली वीडियोज बनाइए बार बार। आपको जो है थोड़ी सी जगह का जो है मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे हम भैया के पास आए हैं, तो आप सामने दे सकते हैं। देखिए ये जो है देहरादून का एक जगह है, तो सामने आप दे सकते हैं मधु और दीदी। तो कल परसों जो है सेलिब्रेशन था क्रिसमस का, और ये देखिए तो भैया सरकारी हैं, और ये देख सकते हैं अभी जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो हमारे जो है चलने का बिल्कुल टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम मसूरी के एक रोड पे आ चुके हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ चढ़ने का, तो अभी हम मसूरी के लिए लगभग 20 किलोमीटर हमारा रह चुका है। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं मधु भी यहाँ खड़ी है, और ये देखिए यहाँ से जो है देहरादून जो है देहरादून तो इस तरफ है, इस तरफ जो है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। रास्ते में आपको जो है यहाँ के जो भी व्यू आते हैं आपको दिखाते हैं। तो आपसे मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है अगर आपको सक्सेस करना है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो और का जो है नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तो चलिए चलते हैं आपको थोड़े से। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है मसूरी पहुंचेंगे आपको ये वाली बिल्डिंग सामने दिखाई पड़ेगी। ये जो है एक चौक है, मसूरी का मेन चौक यही वाला है, इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा चौक ये। तो आपको जो है ये वाली बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी। ये जो है मसूरी की जो है एक लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी पुरानी है, उसमें आपको जो है इसका इस्टेब्लिश का डेट ईयर और दिखाया जाएगा जो कि 1843 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। काफ़ी पुरानी जो है ये हेरिटेज बिल्डिंग है, और वो पीछे वाला रास्ता जो जा रहा है वो कंपनी गार्डन को और कैम्पटी फॉल को भी जा रहा है। यहीं से हमें जो है दराई हिल के भी जाना है, और इस तरफ जो है ये मार्केट का जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे जो है यहाँ पे फूड फेस्टिवल और विंटर कार्निवल लग रखा है। तो दोस्तों एक हम जो है अंदर की तरफ चल पड़े हैं दलाई हिल के लिए, तो ये रास्ता जो है आपको दिखाई पड़ेगा। सामने देखो कितना गजब का नज़ारा है, एक जो है हिमालय की चोटी भी हमें दिखाई पड़ रही है सामने, वाइट कलर की जो चोटी है, तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है। तो हम यहाँ से चलेंगे आगे और मधु आगे बताएगी आपको आगे का जो। ये देखिए ऊपर कितनी साफ दिख रही है ये हिमालय की चोटियाँ, गजब। विंटर लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है विंटर लाइन। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं दलाई हिल्स, तो हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों हम दलाई हिल्स पहुँच गए थे, नीचे की तरफ आप जाए मेरे जो नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ एक बुद्ध टेंपल है, और ऊपर की तरफ जो है दलाई हिल्स है। तो अभी हम उधर की तरफ चलते हैं और आपको देते हैं उधर की जानकारी कि कैसे आप पहुँच सकते हैं। आपको जो है ये कैंप
जो कंपनी गार्डन वाले रास्ते में नीचे की तरफ आना है तो वहाँ आपको लोकल्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार हमारे को भी लोकल्स की मदद लेनी पड़ी क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इधर की तरफ पहले हम दलाई हिल्स में जाएंगे, फिर दलाई फिर जो है टेम्पल पे चले जाएंगे बुद्धा वाले। तो चलिए उधर की तरफ चलते हैं दलाई हिल्स का। तो पहले हमारे जाते हुए मेरे को नीचे से ही एक जो है मोनेस्ट्री दिखाई पड़ रही है, तो कुछ इस टाइप की है। तो हम ऊपर भी चलते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप का नज़ारा है। तो एक स्तूप सा यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको कुछ और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा मेन जो पार्ट ऊपर है दलाई हिल्स का। तो चलिए हम वहाँ पे पहुँचते हैं। थोड़ा आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों सामने आपको एक नज़ारा दिखाई पड़ रहा होगा जैसे दलाई हिल्स कहा जाता है, फेमस है। दलाई लामा जी जब यहाँ आए थे तो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने इस जगह पे अपने प्रवचन दिए होंगे तो यहाँ पे वो आए थे, तो उसके नाम पे ये दलाई हिल्स पड़ा है। यहाँ पे भी आपको तिब्बतन स्टाइल के खूब सारे फ्लैग्स दिखाई पड़ेंगे जो कि मेन 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं वहाँ पे। तो सामने आपको ये नज़ारा दिखाई पड़ेगा, उधर की तरफ आपको टेंपल भी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से आपको मसूरी और कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। ये जो तिब्बतन स्टाइल के हमारे जो फ्लैग हैं इन पे कुछ मंत्र लिखा रहता है, मेनली 5 प्रकार के, 1 येलो, ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लू। 5 तरीके के झंडे होते हैं और इन्हें 5 तत्व जो जिसे हमारा शरीर बना है और साथ ही जो है ये पूरा विश्व बना है, ये जो है इसको शो करते हैं। आपको पहली बार भी बता चुका हूँ, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचते हैं और नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं, खूब सारे झंडे यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे काफ़ी लोग अपना एंजॉयमेंट करते हुए, सामने आपको ऐसी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है और इतने सारे झंडे। तो इस टाइप के सारे झंडे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको पूरा दिखा देते हैं कैसे है। ये देखिए झंडे, और ये तिब्बतन स्टाइल में लिखा हुआ है कुछ उपदेश। ये देखिए और ये देखिए कुछ लिखा हुआ है इंटरनल फ्लेम इस टाइप का। और सामने आप देखेंगे एक खूबसूरत सी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और देखिए हम पहुंच गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में, तो इसे ही दलाई हिल्स कहा जाता है। तो आपको दिखा देता हूँ गौतम बुद्ध की एक खूबसूरत सी प्रतिमा, तो कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। और सामने आपको देखिए एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई पड़ता है, शायद नीचे ITBP का ग्राउंड है शायद, उसी चीज़ के यहाँ से नज़ारे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ नीचे भी आप जाया जा सकता है, ये पीछे से बुद्ध जी की ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है। और नीचे से कुछ इस टाइप का यहाँ पे जैसे हमने बौद्ध टेम्पल में देखा था बिल्कुल सेम उसी टाइप का कुछ नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिए क्या गजब का नज़ारा है। इस टाइप का यहाँ पे एक प्रतिमा है और आपको यहाँ से खूब सारे झंडे आपको दिखाई पड़ेंगे नीचे भी लगे हुए, और सामने आपको खूब सारी बिल्डिंगें दिखाई पड़ेगी मसूरी का, ये कुछ इस टाइप का नज़ारा है। और यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, ये देखिए दलाई हिल पहाड़, यहाँ पे देखिए ये जानकारी दी गई है। यह दलाई हिल सन 1959 ईस्वी में ब्रिटिश विस्थापितों के द्वारा यहाँ पहुँचने वाले स्वर्गीय लाला ज्योतिराम व गर्ग परिवार द्वारा यहाँ पे जो है इस टाइप की जानकारी दी गई है।
तो इसकी हम फोटो लेकर बाद में आपको इसके बारे में बता देंगे कि किस टाइप की जानकारी है। सामने आपको तिब्बती भाषा में भी जो है ये सरकारी जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूरी जानकारी दी गई है। कुछ इस टाइप का है पूरा का पूरा दलाई हिल। तो ये सामने आपको एक झंडू का काफ़ी बड़ा सा वो दिखाई पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपने जैसे कि मेरे पीछे देख लिया है कि जो है ये है बौद्धा वाला जो है हिल, जिसे जो है दलाई हिल भी कहते हैं मसूरी में, तो काफ़ी फेमस है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही पास पड़ता है ये जो है मसूरी से, और ये कैंपटी फॉल वाले रास्ते पे पड़ता है, और साथ ही साथ जो है आपको यहीं पे आपको जो है कंपनी गार्डन भी मिल सकता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर लिए। तो हमने यहाँ पे विज़िट कर लिया है, तो हम इससे के बाद जो है बौद्धा टेम्पल जो नीचे है वहाँ पर भी विज़िट कर लेते हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो हमारा अभी मैं आपसे जो है बीच में ही कहना चाहता हूँ कि जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिए, जिससे कि हमारा जो है मनोबल बने रहे और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो बनाते जो है हम बनाते चले जाएं और आपके लिए इस टाइप का काम करते चले जाएं। और हम चाहते हैं कि आगे हम फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते चले जाएँ नई नई जगहों पर, देश और विदेश में भी, जिस तरह से आपका हमारे को सपोर्ट रहता है। तो हमेशा जो है मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट करते रहिए सभी को। तो चलिए चलते हैं नीचे बौद्धा टेम्पल पे। तो हम वही उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे। तो ऊपर को जो जाना है वो दलाई हिल से नीचे की तरफ जो है बुद्धा टेम्पल है। तो चलिए चलते हैं उधर की तरफ और बुद्धा टेम्पल को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मधु कम ऑन कम, थक चुकी है मधु। तो मधु को कैसा लगा ऊपर? अच्छा है, बढ़िया जगह है और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं वहाँ पे, आपको हिमालय के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे। हाँ, तो यही बात है कि आपको भी जो है आना चाहिए और यहाँ पे एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। तो लोग जो है जिस वक्त हम करते हैं व्लॉग तो जो है लोग देखते हैं, पर हमें जो है आपके लिए व्लॉग बनाना है तो हम इस बारे में नहीं सोचते। तो सामने आपको दिखा देते कि अभी हम पहुँच चुके बौद्धा टेम्पल। तो सामने आ चुका है बौद्धा टेम्पल, सामने देख सकते हैं। दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो है डायरेक्ट इस पे ले चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है बौद्धा टेम्पल है मसूरी वाला। तो आपको जो है इसके थोड़े व्यूज़ दिखा देता हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं ये गजब का जो है एक छोटा सा टेम्पल बना हुआ है जो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है, और सामने गेट पे कुछ इस टाइप के नज़ारे आपको दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि किस टाइप का टेम्पल है। तो सामने आपको जो है एक पंचचक्र भी दिखाई पड़ेगा। तो सामने देख सकते हैं, तो इसे जो है क्लॉकवाइज जो है जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि आपको घुमाना पड़ता है, और पीछे भी काफ़ी मेरे को जो है पंचचक्र से दिखाई पड़े, तो उनकी तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ पंचचक्र हैं जिन्हें मधु कम ऑन कम, तो यहाँ पे जो है इन्हें जो है बुद्धिस्ट धर्म में जो है घुमाना शुभ माना जाता है। हाँ, प्रेयर वे। अच्छा, तो कुछ इन्हें इस टाइप से घुमाना पड़ता है जैसे मधु को घुमा रही है, तो इस टाइप से हम भी घुमा लेते हैं थोड़ा, तो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये छोटे वाले लग रखे हैं, हमें फर्स्ट टाइम पे इस टाइप के दिखाई पड़े। तो इस टाइप के जो है यहाँ पे चक्र है, आप भी आइए घुमाइए। प्रेयर व्हील्स, ओके, इन्हें जो है प्रेयर व्हील्स कहा जाता है। तो देखिए इस टाइप से घूमते हुए कुछ नज़र आते हैं, तो इन पे जो है तिब्बती भाषा में जो है इन पे कुछ लिखा हुआ है इस टाइप से है। तो लगभग हमने यहाँ घुमा चुके हैं, तो हम आगे देख लेते हैं जो टेम्पल है वो कैसे दिखाई पड़ता है। तो सामने आपको ये एक जो है स्मारक दिखाई पड़ेगी, ये देखिए, और इसमें भी जो है कुछ ड्रैगन से दिख मेरे को जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एक ड्रैगन बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ ये जानकारी भी दी गई है। तो इस टाइप का कुछ स्तूप है, तो यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे एक कुछ जगह बन रखी है, और साथ में ये देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं।
ये देखिए, तो इस स्तूप में जो है भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मुझे दिखाई पड़ी। ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, एक छोटी सी प्रतिमा ऊपर रखी हुई है, और सामने आप देख सकते हैं ये टेंपल कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, और सामने ये बड़े वाले झंडे भी दिखाई पड़ेंगे आपको। ये देखिए, और सामने बिल्डिंग कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगी आपको। और ये देखिए, ये क्या यूनिक स्टाइल पर बना हुआ टेंपल है।